Hello friends, you are welcome in the lecture number 21 of Thermodynamics and Statistical Physics. And today we are going to discuss about the liquid helium. सामान्यतया जब गैसों को ठंडा किया जाता है तो वो पहले लिक्विड में बदलती हैं और अधिक ठंडा करने पर वे सॉलिड में बदल जाती हैं. लेकिन लिक्विड हीलियम एक ऐसा विलक्षण गैस है जिसको कितना भी ठंडा करें, केमरनिंग ओनेश ने देखा कि इसको कितना भी ठंडा किया जाए ये सॉलिडिफाई नहीं होती है. इवन इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर अप टू 0 केल्विन इट विल नॉट सॉलिडिफाई. इट मीन्स अगर हमें लिक्विड हीलियम को, अगर हमें हीलियम गैस को सॉलिडिफाई करना है तो हमें प्रेशर भी वेरी करना पड़ेगा. और ये बात कुछ समय बाद किजम ने बताई. किजम स्टडीड दैट बाय मियर एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर और बाय मियर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन नॉट सॉलिडिफाई द हीलियम. इफ वी वांट टू सॉलिडिफाई हीलियम गैस देन वी हैव टू वेरी द प्रेशर. लिक्विड हीलियम या हीलियम गैस को ध्यान से देखा जाए तो हीलियम गैस एक ऐसी गैस है जो कलरलेस, रंगहीन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और हाईली वोलेटाइल है. इवन सॉलिडिफाई करने के बाद भी इसके ये गुण मेंटेन रहते हैं. सभी तत्वों को जब, सभी गैसों को जब ठंडा किया जाता है तो कुछ समय बाद, कुछ टेम्परेचर डाउन होने के बाद वो लिक्विड में बदलती हैं और अधिक टेम्परेचर डाउन होने पर वो सॉलिड में बदलती हैं. लेकिन हीलियम के साथ ऐसा नहीं है. इसीलिए हीलियम के इन विलक्षण गुणों को देखते हुए हीलियम के प्रेशर और टेम्परेचर कर्व को वैज्ञानिकों ने स्टडी किया. और हीलियम का प्रेशर टेम्परेचर कर्व जब स्टडी करके ड्रॉ किया गया दैट वाज समथिंग लाइक दिस. इस ग्राफ को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि बिलो दिस कर्व हीलियम इज इन गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. मिड में जो स्टेट दे रखी है दैट इज द लिक्विड स्टेट एंड अबव दिस ग्राफ इट इज इन द सॉलिड स्टेट. अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट सी है जो 5.2 केल्विन पर है. अगर टेम्परेचर को कम किया जाए और वी रीच अप टू द 4.2 केल्विन देन वी गेट द लिक्विड हीलियम. अगर टेम्परेचर को कम करके 4.2 केल्विन तक पहुंचते हैं देन विदाउट चेंजिंग द प्रेशर वी कैन गेट लिक्विड हीलियम. अब आप कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज करिए यू विल नेवर गेट द सॉलिड हीलियम बाय मियर एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर और बाय मियर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में दो कर्व हैं. फर्स्ट कर्व इज बी ए सी एंड सेकेंड कर्व इज डी ई एफ. फर्स्ट कर्व इज नोन एज द लिक्विड वेपर फेज लाइन. चूंकि ये लिक्विड और वेपर के बीच की लाइन है इसलिए इसको कहते हैं लिक्विड वेपर फेज लाइन और सैचुरेटेड वेपर कर्व. इस कर्व पे एक पॉइंट ए है जहां पे ये कर्व अपनी कर्वेचर चेंज करता है. दिस पॉइंट ए इज नोन एज लैम्डा पॉइंट. सिमिलरली इन द कर्व डी ई एफ वी आल्सो हैव ए पॉइंट ई वेयर द ग्राफ डी ई एफ चेंजेस इट्स कर्वेचर. दिस पॉइंट ई इज आल्सो नोन एज द लैम्डा पॉइंट. द लाइन जॉइनिंग दीज टू लैम्डा पॉइंट्स इज नोन एज द लैम्डा लाइन. और लैम्डा लाइन के राइट साइड में जो भी लिक्विड हीलियम है दैट बिहेव्स नॉर्मली. जैसे सभी द्रव बिहेव करते हैं वो भी वैसे ही बिहेव करती है. सो इट इज कॉल्ड सामान्य हीलियम और लिक्विड हीलियम फर्स्ट. द्रव जो लैम्डा लाइन के लेफ्ट साइड में है दैट बिहेव्स अबनॉर्मली. इट्स बिहेवियर इज
quite different from the normal liquids. So it is called abnormal helium or helium, liquid helium second. This graph is the transition between solid and liquid. So this curve is known as solid liquid phase line, या इसको हम fusion curve भी बोलते हैं. इस लेमड़ा पॉइंट को, नीचे वाला जो लेमड़ा पॉइंट है, इसको टेम्परेचर से मैच करते हैं, टेम्परेचर जो स्केल वाला है उससे मैच करते हैं, तो ये 2.19 केल्विन पर मैच होता है. 2.19 केल्विन पर दिस टेम्परेचर 2.19 केल्विन, इसका लिक्विड हीलियम या हीलियम को पढ़ने में बहुत ही महत्व है. ये स्पेशल टेम्परेचर है जो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए. इसकी क्या विशेषता है, हाउ वी यूज दिस टेम्परेचर, इसको अभी हम आगे देखते हैं. ये टेम्परेचर 5.2 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, क्रांतिक ताप, हीलियम गैस का क्रांतिक ताप. आइए अब देखते हैं कि हीलियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस ग्राफ से क्या क्या विशेषताएं हम नोट डाउन कर सकते हैं. हम देख रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड ग्राफ कभी भी लिक्विड वेपर ग्राफ के साथ कहीं पर भी नहीं मिलता है. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे सॉलिड लिक्विड ग्राफ लिक्विड वेपर ग्राफ के साथ मैच करे या जहां पे मिले. इसका मतलब एट नॉर्मल प्रेशर लिक्विड हीलियम डज नॉट हैव एनी ट्रिपल पॉइंट. सामान्य दाबों पर लिक्विड हीलियम के लिए या हीलियम गैस के लिए या हम कहें कि हीलियम के लिए कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है, कोई भी त्रिक बिंदु नहीं होता है. दूसरा हम कह सकते हैं कि लिक्विड हीलियम जो दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एक सामान्य हीलियम और एक असामान्य हीलियम. सामान्य हीलियम जिसको लिक्विड हीलियम फर्स्ट और असामान्य हीलियम जिसको लिक्विड हीलियम सेकंड कहते हैं. चूंकि सामान्य हीलियम लिक्विड हीलियम फर्स्ट सामान्य द्रवों की तरह बिहेव करती है और सामान्य द्रवों के सभी गुण हम जानते हैं, इसीलिए हम इसके गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं. बट लिक्विड हीलियम सेकंड का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है और व्हाट वी कैन अज्यूम इज फार बिहाइंड व्हाट लिक्विड हीलियम सेकंड बिहेव्स. जो हम सोच पा रहे हैं उससे लिक्विड हीलियम बहुत आगे है. इसका मतलब लिक्विड हीलियम सेकंड की कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना चाहिए, दैट मे बी वेरी यूजफुल फॉर अस. तो चलिए देखते हैं लिक्विड हीलियम सेकंड की ये पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि द्रव हीलियम सेकंड के क्या विचित्र व्यवहार हैं. पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं डेंसिटी. जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 2.19 केल्विन का अपना एक विशेष स्थान है हीलियम सेकंड के अध्ययन में. 2.19 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिससे पहले या जिससे अधिक तापों पर हीलियम नॉर्मली बिहेव करता है, सामान्य द्रवों की तरह बिहेव करती है, और 2.19 केल्विन से कम ताप पर हीलियम असामान्य द्रवों की तरह व्यवहार करती है. अगर टेम्परेचर के साथ हीलियम के घनत्व को ड्रॉ किया जाए तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है. जैसा कि सभी द्रव बिहेव करते हैं कि टेम्परेचर कम करने पर उनकी डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि ये हीलियम फर्स्ट है और सामान्य द्रवों की तरह बिहेव कर रही है. टेम्परेचर कम होने के साथ इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है. एट 2.19 केल्विन टेम्परेचर इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी आफ्टर दैट बिकॉज इट चेंजेस इनटू द लिक्विड हीलियम सेकंड एंड लिक्विड हीलियम सेकंड बिहेव्स अबनॉर्मली. सो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर. इट इज द वेरी अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिक्विड हीलियम सेकंड. सेकंड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक हीट. इफ वी सी द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर देन वी सी दैट
when we decrease the temperature below the 5.2 Kelvin, क्रांतिक ताप से नीचे जब हम टेम्परेचर लेके आते हैं, द स्पेसिफिक हीट रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट अप टू 2.19 केल्विन. लेकिन जैसे ही 2.19 केल्विन पे पहुंचते हैं, स्पेसिफिक हीट सडनली इंक्रीजेज, रिचेज अप टू ए मैक्सिमम एंड सडनली डिक्रीजेज. दिस शेप ऑफ द कर्व ऑफ स्पेसिफिक हीट वर्सेज टेम्परेचर इज लाइक ए ग्रीक वर्ड और ग्रीक लेटर लेमडा. सो द पॉइंट वेयर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर सीम्स और द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय द लिक्विड हीलियम इज नोन एज लेमडा पॉइंट. चूँकि 2.19 केल्विन ताप पर ये अजीब सा बिहेवियर या अजीब से लेमडा साइड टाइप का जो कर्व है वो स्पेसिफिक हीट दिखाती है, इसीलिए 2.19 केल्विन एग्जैक्ट टेम्परेचर का जो बिंदु है उसे लेमडा बिंदु कहते हैं. सो हियर हमें पता चलता है कि ये लेमडा पॉइंट का कंसेप्ट कहाँ से आया. 2.19 केल्विन टेम्परेचर को हमने लेमडा पॉइंट ही क्यों कहा और कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि इस कर्व की शेप लेमड़ा से मिलती जुलती थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम लेमड़ा पॉइंट रख दिया. आगे देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज विस्कोसिटी. और लिक्विड हीलियम सेकंड की ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स, लेकिन लेमड़ा पॉइंट पर विस्कोसिटी अचानक से इतनी डिक्रीज हो जाती है कि इट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो. इट मीन्स द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड हीलियम सेकंड इज ऑलमोस्ट जीरो और लिक्विड हीलियम सेकंड फ्लोज विदाउट रेजिस्टेंस, वी कैन से दैट. इट मीन्स अगर हम किसी कैपिलरी में से लिक्विड हीलियम सेकंड को गुजारते हैं देन इट फ्लोज विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर डिफरेंस, इट फ्लोज ऑन इट्स ऑन. एंड दिस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द लिक्विड हीलियम सेकंड इज नोन एज सुपर फ्लूइड. सुपर फ्लूइड because it presents zero resistance or almost zero resistance in the flow of its own fluid. This property of liquid helium second is known as superfluidity. And it is very important property of the liquid helium second, superfluidity. Ati तरलता, हिंदी में जिसको बोलते हैं अति तरलता. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी. लिक्विड हीलियम फर्स्ट की थर्मल कंडक्टिविटी सामान्य गैसों की तरह बहुत ही कम होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-4. लेकिन लिक्विड हीलियम सेकंड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इट इज sometimes we can see at 800 times of the copper's thermal conductivity. तांबे की thermal conductivity से 800 गुना ज़्यादा हम देख सकते हैं. ये भी liquid helium second का बहुत ही असामान्य behavior है. Next और जो बहुत ही interesting property है that is the formation of rolling film on the solid surfaces. जब लिक्विड हीलियम सेकंड को किसी सॉलिड सरफेस पे छोड़ा जाता है तो ये एक पतली सी सॉलिड की तरह परत बना लेती है. एंड दिस लेयर क्रीप्स ऑन द सॉलिड सरफेस और द फ्लोर. दिस इज फिल्म इज नोन एज द रोलिंग फिल्म. दिस फिल्म इज नोन एज द रोलिंग फिल्म और वी कैन सी दैट दिस रोलिंग फिल्म इज approximately hundreds atoms thick, hundred atoms thick. And this rolling film
creeps on the surfaces of the solid. और इस परिघटना को देखने के लिए हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज कीजिए वी हैव ए ट्यूब विथ लिक्विड हीलियम सेकेंड इनसाइड इट एंड वी आल्सो हैव ए लिक्विड हीलियम सेकेंड टब. टब में ये सभी टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं और तीनों में लिक्विड हीलियम सेकेंड का लेवल अलग अलग है. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड ट्यूब विथ लिक्विड हीलियम सेकेंड. इन द फर्स्ट ट्यूब वी हैव लिक्विड हीलियम सेकेंड इनसाइड एंड द लेवल ऑफ द इनसाइड द ट्यूब इज लोअर देन द आउटर साइड ऑफ द हीलियम टब. इन दिस केस लिक्विड हीलियम सेकेंड विल फ्लो फ्रॉम द आउटसाइड इन टू द ट्यूब. यहाँ से हीलियम सेकेंड इसकी सरफेस पे क्रीप करना शुरू करेगी और तब तक अंदर क्रीप करती रहेगी जब तक कि इसके अंदर का लेवल इस टब के लेवल के हीलियम के बराबर ना हो जाए. इसी प्रकार दूसरी ट्यूब को हमने ज़्यादा भरा हुआ लिया है, उसका लेवल इस टब के लेवल से बहुत ऊपर है. इस केस में लिक्विड हीलियम सेकेंड विल फ्लो आउटसाइड फ्रॉम द ट्यूब और तब तक बहती रहेगी जब तक कि इसके अंदर का लेवल बाहर के लेवल के बराबर ना हो जाए. इन द थर्ड केस द टेस्ट ट्यूब इज फार अबव देन द लेवल ऑफ द हीलियम टब. ये हीलियम टब के लेवल से टच भी नहीं हो रहा है. इन दिस केस आल्सो लिक्विड हीलियम विल फ्लो आउटसाइड द ट्यूब और तब तक बहती रहेगी जब तक की सारी हीलियम निकल कर इसके नीचे ना आ जाए और नीचे आने पर इकट्ठी होकर बूंदों के रूप में टपक कर बाथ टब में गिर जाएगी. सो दीज आर द पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड. सो नेक्स्ट इफेक्ट इज द फाउंटेन इफेक्ट. जब लिक्विड हीलियम सेकेंड को एक देवार फ्लास्क में इस हिसाब से भरा गया और इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया. ये एपरेटस का सेटअप जो था वो दो वैज्ञानिकों एलन और जोन्स ने सेटअप किया. इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि दिस इज ए देवार फ्लास्क जिसके अंदर हमने लिक्विड हीलियम सेकेंड भरा हुआ है. इस फ्लास्क के अंदर एक स्पेशल ट्यूब डालते हैं जिसकी दो भाग है, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट जो है वो कैपिलरी की फॉर्म में है, दिस ए पार्ट इज लाइक ए कैपिलरी, और बी पार्ट है जिसमें एमरी पाउडर भरा हुआ है. ये एमरी पाउडर इतने महीन पार्टिकल से बना हुआ है कि इसके बीच का स्पेस इस लिक्विड हीलियम सेकेंड के लिए कैपिलरीज की तरह बिहेव करता है. इस पूरे सिस्टम को जब टॉर्च लाइट से एमरी पाउडर पे लाइट डाली जाती है तो हीट एमरी पाउडर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये केशिकात्व प्रोड्यूस होता है और इस केशिकात्व में लिक्विड हीलियम सेकेंड यहाँ से फाउंटेन के रूप में बाहर निकलती है. और कभी कभी ये फाउंटेन 30 सेंटीमीटर हाइट तक का भी निकलता है. दिस इफेक्ट ऑफ द हीलियम सेकेंड इज नोन एज फाउंटेन इफेक्ट, फवारा प्रभाव के नाम से जाना जाता है. ये हीलियम का बहुत ही सुंदर और स्ट्रेंज बिहेवियर है. सो ऑल दीज वर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड. लिक्विड हीलियम सेकेंड पर अध्ययन करते हुए केमरलिंग ओनेस ने 1911 में सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने क्रोनोलॉजी की बात की थी.
लो टेम्परेचर्स के प्रोडक्शन में जब हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि 1911 में केमरलिंग ओनेस ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी. एट दैट टाइम ही वाज स्टडिंग अबाउट द अबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड और ही वाज ट्राइंग टू लिक्विफाई द लिक्विड हीलियम सेकेंड. सो लिक्विड हीलियम के इन विशेष गुणों ने एक नई परिघटना को जन्म दिया, दैट वाज सुपर कंडक्टिविटी. और सुपर कंडक्टिविटी जिसे हिंदी में अति चालकता भी कहते हैं, जिसका एक अलग से अपना पूरा चैप्टर है, उसे हम अलग से पढ़ते हैं. एक्चुअली सुपर कंडक्टिविटी क्या है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे कुछ पदार्थों को लाने पर एकाएक उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट इनफाइनाइट हो जाती है. मतलब अनंत काल उनमें अगर एक बार करंट फ्लो कर दी जाए तो अनंत समय तक करंट फ्लो होती ही रहती है. इस प्रकार की जो विशेष घटनाएं हैं जो केमरलिंग ओनेस ने देखी, उन्हें उसने सुपर कंडक्टिविटी नाम दिया. और सुपर कंडक्टिविटी की स्टडी आज एक पूरी ब्रांच के रूप में की जाती है. बहुत से लोग सुपर कंडक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे हैं. अभी भी सुपर कंडक्टिविटी एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट का विषय है. सो दीज ऑल वर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.